लीडिंग रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी बेटी तो अगर इसलिए जरूर अच्छा काम कर रही थी। पर क्या हमारा काम केवल आंकड़े इकट्ठे करना है और क्या आपका काम केवल पब्लिश करना है? मैंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच में दो याचिकाएं दायर करी हैं। पहली याचिका मैंने दायर करी है 106 मैरिज गार्डन के अगेंस्ट में, उसमें 110 पार्टियां हैं टोटल, गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया है, गवर्नमेंट की सारी फंक्शनरीज को इंक्लूड किया है, किस तरीके से मैरिज हॉल्स पॉल्यूशन कर रहे हैं, किस तरीके से उनको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इन्वायरमेंट एक्ट की जो पावर्स हैं उनका उपयोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं कर रहे हैं, और क्या क्या सॉल्यूशंस, किस तरीके से बैन इम्पोज किया जाना चाहिए, किस तरीके से सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल किया जाना चाहिए जैसे हॉस्पिटल्स का भोपाल इंसिनरेटर करता है, ऐसे कई विकल्प देते हुए एक पिटीशन दायर करी है। उसमें मैंने ऑनरेबल कोर्ट से डायरेक्ट कुछ गाइडलाइंस चाही हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं जन सुविधा और पर्यावरण की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और मैरिज हॉल्स इस चीज़ को वायलेट कर रहे हैं। डेली पेपर में आ रहा है, डेली आप घंटे भर ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, पार्किंग नहीं है, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, आप सुबह वॉक नहीं कर सकते उस आसपास एरिया में, काफ़ी परसेंटेज से ज़्यादा मैरिज हॉल्स रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे हैं, आसपास के रेजिडेंट को दिक्कत होती है। तो ये सारे इश्यूज़ मैंने पहली पिटीशन में उठाए हैं। दूसरी पिटीशन में मैंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल स्केल पर ले जाते हुए अपनी जो रामसर साइट है, जो भोज वेटलैंड के तहत प्रोटेक्टेड अपर लेक है, उसके संबंध में दायर करी है। आज लेक का पानी जो इतना पल्यूट हो रहा है और जो उसका स्टोरेज एरिया रिड्यूस होता जा रहा है, कैचमेंट एरिया में वॉयलेशन हो रहे हैं, उन सबको हाईलाइट करते हुए लेक का क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या महत्वता है हमारे लिए, टूरिज्म के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि उसको विश्व का धरोहर माना गया है। जो 12-13 लेक्स आइडेंटिफाई की गई हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें अपर लेक एक लेक है। किस तरीके से उसका वायलेशन हो रहा है, चाहे सीवेज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे जितनी भी होटल्स हों जो आसपास के एरिया में संचालित हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं केमिकल वो कर रहे हों, कैचमेंट एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, केमिकल और फर्टिलाइजर्स का जो हैवी उपयोग एग्रीकल्चर में हो रहा है, ये सारे मुद्दे मैंने उस पिटीशन में उठाए हैं। इन सब के लिए एक विकल्प भी उनको दिया है पिटीशन में। ट्रिब्यूनल में जो ऑनरेबल जस्टिस ज्योतिर्मणि हैं, जस्टिस देशपांडे हैं, जो कि एक्सपर्ट मेंबर हैं, उन्होंने इस बात को समझा है, उन्होंने इंटरिम आदेश भी पहले भी पारित करे हैं और इस केस में उस चीज़ को वापस रिटीरेट करी है। एक बॉडी बनाई है उन्होंने अपर लेक के कंजर्वेशन के लिए, जिसको उन्होंने कुछ समय दिया है कि वो आके वापस उनको रिपोर्ट करें, जिसमें कलेक्टर, कंजर्वेटर फॉरेस्ट, डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के लोगों को और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट सेंट्रल और स्टेट के लोगों को इंक्लूड किया है। उनको बोला है कि लेक के आसपास जितनी भी एक्टिविटी संचालित की जा रही है उनका ब्यौरा दीजिए, साथ ही में मुझे ट्रिब्यूनल को ये बताइए कि किस तरीके से ये लेक को, उसके कैचमेंट एरिया को उसका वॉयलेशन कर रहे हैं और पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ट्रिब्यूनल के पास मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील भी कर रहा हूँ कि असीमित पावर है। अगर जनता और मीडिया आगे नहीं आएगी तो ट्रिब्यूनल के पास सामने सही फैक्ट्स नहीं आ पाएंगे। देखिए क्या है, जब जागो तब सवेरा। केंद्रीय गवर्नमेंट ने हमें ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम पे एक ऐसी सौगात दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पहली बार एक एक्सपर्ट मेंबर, एक जुडिशियल मेंबर के साथ डायस पे बैठे हैं जो कि आपके और मेरे दायरे से ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। अभी हम इस चीज़ को उठाते मुद्दे को किसी लोकल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कई चांसेस थे कि बॉडीज़ जो कि स्टेट के लिए फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट के लिए फंक्शन कर रही है और इंडिपेंडेंट, वो कहीं पर किसी चीज़ को मिसडायरेक्ट कर सकती थी। पर जब एक्सपर्ट खुद ही वहाँ पर बैठा है उसको मिसडायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको नॉलेज है कि इस चीज़ से ये नुकसान हो रहा है, आपको बस ज़रूरत है उनके सामने फैक्ट्स पुट अप करने की। इनका दायरा बहुत बड़ा है, 10 करोड़ तक का जुर्माना कर सकते हैं और पीनल कॉन्सिक्वेंसेज अलग, सजा अलग कर सकते हैं, और केवल 5 ऐसी बेंचें जो पूरे ऑल ओवर इंडिया फंक्शन कर रही हैं। आज
ज़रूरी नहीं है कि मैं MLA बनूं और फिर जनता के लिए काम करूं। अगर मुझे ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम पे कोई मौका मिला है, इसलिए मैंने ये दो याचिकाएं दायर की हैं। जन सुविधा और पर्यावरण सुरक्षा, इन चीज़ों का मुद्दा है। आज मैरिज हॉल की वजह से कितना नुकसान हो रहा है वो हम जानते हैं, पर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि एक अथॉरिटी बने, रूल्स एक जगह बने, उनकी गाइडलाइंस बने, ये इनको फॉलो करें ताकि जनता को सुविधा हो, असुविधा ख़त्म हो, और ये फ्रस्ट्रेशन जो आज की डेट में पब्लिक के बीच में डेवलप हो रहा है इनकी वजह से, और पोल्यूशन को जो नुकसान पहुंच रहा है अपने इन्वायरमेंट को, वो रुक जाए। पिटीशन में स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, स्टेट गवर्नमेंट की हाउसिंग एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, और जितने भी अथॉरिटीज़ भोपाल की लेक से संबंधित हैं, दूसरी पिटीशन में, और पहली पिटीशन में 105 मैरिज गार्डन जितने मैं आइडेंटिफाई कर पाया रिसर्च करके।